सरायपाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास पारित हो गया है। बीजेपी पार्षदों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव आवेदन पर 26 दिसंबर को सरायपाली नगर पालिका के 15 पार्षदों ने मतदान किया। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत पड़े हैं, जबकि 3 मत विपक्ष में पड़े और इस प्रकार बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। बताने के पूर्व में भी सरायपाली नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी, इस वजह से सरकार के दबाव में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। हम लोग यहाँ पे 10 पार्षद थे और यहाँ की जनता ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने बोल के 10 पार्षद जिता के दिए थे, किंतु इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने इतना बहुमत होती अभी अपन को शासन के दबाव से, शासन के इतना दबाव था कि इन्होंने 4 साल राज किया। हमारे द्वारा पूर्व भी लगाया गया था, उस समय भी इनके द्वारा दबाव पूर्ण तरीके से, क्योंकि इनका सरकार था, अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। वर्तमान में अभी नगर में इतना भ्रष्टाचार है, नगर में इतना भी अव्यवस्था है, यहाँ के जनता ने बार बार नगर पालिका परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में 15 सदस्य जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। सर कितने वोट पड़े अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में? 12 वोट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 3 वोट पड़े। अध्यक्ष बैठेगा वो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा और हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको मोदी गारंटी के नाम से पूरे देश में लोग विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के साथ हमारा सरायपाली में विकास कार्य हमारे जो अध्यक्ष महोदय बैठेंगे वो करेंगे, ये संजय शर्मा जिला महामंत्री भाजपा। सर आज जो है यहाँ पर जो है आपके पार्षदों ने जो है जीत हासिल की है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इससे पहले जब चुनाव हुआ था तब भी हमारे पार्षद 10 पार्षद चुनाव जीत गया है, लेकिन चूंकि सत्ता कांग्रेस की थी उसमें पार्षदों पे दबाव डाल के अन्य अन्य कार्यों हमारे कुछ व्यापारी पार्षद हैं उनको भी प्रेशर डाला गया, उस कारण से हम लोग मजबूरी में उस समय हार गए। लेकिन मतदान हुआ था 2019 में, सरायपाली की जनता ने हर भर के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, 10 पार्षद निर्वाचित करके दिए थे। सत्ता और धन बल ताकत में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और 4 साल में सरायपाली की एक एक जनता, एक एक वार्ड